ये प्रावधान बहुत जरूरी था, बिहार के प्रतिभाओं के साथ, बिहार के भविष्य के साथ, देश के भविष्य के साथ जिन लोगों ने खिलवाड़ किया है, जिन लोगों ने आज नहीं बहुत पहले से ये खिलवाड़ चल रहा था, और ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। जब राज्य सरकार की बहुत सारी एजेंसियां है और उस एजेंसियां के अंदर बैठ करके जो पद का दुरुपयोग करके पेपर लीक में संलिप्त पाए जाएंगे उस पर भी कार्रवाई होगी, और जो विपक्ष में बैठे हैं इन लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट पहले भी साबित हुआ है, आगे भी बड़ा खुलासा हम करेंगे, और इन लोगों के द्वारा किस तरह से बिहार के अंदर पेपर लीक मामले में संलिप्तता रही है, किस तरह से ये दहशत का वातावरण बनाते हैं और किस तरह से बिहार के प्रतिभाओं से खिलवाड़ किए नियुक्ति घोटाला करते हैं, बहाली में धांधली करते हैं, परीक्षा में गड़बड़ी करते हैं। ऐसे लोग पर सरकार ने जो कानून लाया है वह कानून, अब ऐसे लोग बचेंगे नहीं। शिक्षा माफिया, भ्रष्टाचारी और प्रतिभा का दमन करने वाला अत्याचारी, सब पर कार्रवाई होगी। विपक्ष डर गया, डर कर भाग गया, क्योंकि उसके लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। विपक्ष के लोग पेपर लीक में इन्वॉल्व हैं, और इसलिए विपक्ष इस पेपर लीक के विधेयक पर बहिष्कार किया है। ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है।